जो दयालु ने कहा प्रयागराज में आज, कुछ इतर लाइन है। और जिस संगठन, जो अनुपम जी इंगित कर रहे हैं कि संग रहना छोटे पद पे सरकार में चाहते हैं, लेकिन इस समय मिल संगठन वालों से रहे, ये चल क्या रहा है? पुष्कर जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल अगड़े पिछड़े के डिस्प्यूट हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक लार्जर प्लैंक पर, एक वाइडर सिचुएशन को और एक बड़े कैनवास पर समझने की जरूरत है। भाई आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, और उस हिंदुत्व के चेहरे के साथ वो पिछड़ी जातियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हिंदुत्व का चेहरा पिछड़ी जातियों के साथ जुड़ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में एक रेलिवेंसी हो जाता है, यानी कि वो एक विनेबिलिटी की तरफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स बढ़ जाती है आपकी समीकरण के अतवार। और रहा सवाल फिलहाल इस डिस्प्यूट का, तो योगी जी और मोदी जी के डिफरेंस को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मैं सहमत हूँ या ना सहमत हूँ, या कोई सहमत है या ना सहमत है, लेकिन बात फिलहाल उनकी राजनीति की है कि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत फ्लेक्सिबल हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्ट्रेटेजिकली बहुत फ्लेक्सिबल हैं, और वो हिंदुत्व का भी चेहरा है और पिछड़ों का भी चेहरा है। वही योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा है, ऊपर से अगली जाति के हैं, तो पिछड़ों की जो राजनीति का जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है उत्तर प्रदेश में 2024 के बाद, और जिस पृष्ठभूमि के विमर्श की जरूरत है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में, वो उस परिस्थितियों को रिलेट नहीं करते, क्योंकि वो पिछड़ी जातियों का जो एक मैसेज विमर्श है इस वक्त राजनीति में, उसको छू नहीं पा रहे। तो वक्त की जो जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजिकली ये चाहती है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, संघ पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए हैं, तो वो हिंदुत्व का भी चेहरा है और पिछड़ों का भी चेहरा है, इसलिए उनको एक स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, ताकि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में, मतलब मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं, जो बदलती राजनीतिक, सवाल ले लीजिएगा, आप दे दीजिएगा जवाब। हाँ, मतलब योगी आदित्यनाथ के पैरेलल खड़ा करके, चाहे पिछड़ी जात से आते हो वो या कोई उनकी और संगठनिक, मतलब पार्टी में संगठन में बड़ा मजबूत हो कि 17 का चुनाव जिताया, लेकिन इन सब पर भारी मालूम क्या पड़ जाता है? आप सिराथू नहीं जीत पाते हैं। आप जब डिप्टी सीएम बनते हैं पहली बार, तो आप अपनी सीट फूलपुर नहीं बचा पाते हैं, और सबसे रिसेंट आप कौशाम्बी नहीं जिता पाए विनोद सोनकर। आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ के पैरेलल कैसे खड़ा हो जाएगा कोई, बताइए ना, हारे कहां कहां के मंडल में? गोरखपुर मंडल में सिर्फ एक सीट हारे, बलिया। तो अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मेरे से सवाल पूछते हैं, तो पहले मैं इसी को एड्रेस कर देता हूं। क्या शिवराज सिंह चौहान कोई चुनाव हारे थे मध्य प्रदेश में? नहीं, शिव हर तासीर दूसरी होती है। सवाल पूछ रहे हैं तो 2024 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा को भी हटा के चुनाव लड़ा, शिवराज सिंह चौहान को भी हटा के चुनाव लड़ा, और रमन सिंह को भी प्रोजेक्ट नहीं किया। सवाल पैरेलल खड़ा करने का नहीं है पुष्कर जी, सवाल किसी के मुकाबले किसी को तरजीह देने की नहीं है। सवाल यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स को बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोच रही है, जो शीर्ष नेतृत्व है उनको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है कि अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे पे लड़ें, आज ऐसे चेहरे की जरूरत है
जिसमें आप हिंदुत्व के चेहरे के साथ सोशल इंजीनियरिंग भी कर लें। कल्याण सिंह भी अभी अभी चीफ मिनिस्टर के रहते हुए इतनी सीटें क्यों लूज कर गए उत्तर प्रदेश में? अब ये बताइए ना, देखिए अच्छा, फिर महाराष्ट्र में क्यों लूज कर गए? वही तो मैं, दैट इज माय पॉइंट। महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश और गुजरात में, हम लोग यहीं यूपी में रहते हैं। तो महाराष्ट्र में फौरन इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर, नैतिकता हुआ नहीं हुआ एक अलग चीज है। तो सवाल ये है कि रमेश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी जितनी व्यवहारिक होकर सोच रही है उत्तर प्रदेश को, उसको समझने की जरूरत। रमेश ठाकुर जी, ये जो बिलाल जी की अगर स्टेटमेंट या थ्योरी, जो उन्हें समझ में आ रहा है कि इस समय जो पिछड़ा गया है वो मोदी जी के नाम पर भले ना एकजुट हो, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर एकजुट हो जाएगा। फोटो खिंचाने मिलने से दारा सिंह चौहान के साथ बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, इन सब से वो काट कैसे खड़ी होगी जो अनुपम जी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो चेहरा है वो ये नहीं जीत, मतलब केशव मौर्य उसके पहले नहीं खड़े हो सकते। देखिए बिलाल भाई की बात को मैं काटता नहीं हूँ, बड़े अनुभवी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और लेकिन उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये जो पिछड़े की जो ठेकेदारी करके जो अब नेता चल रहे हैं, जिस तरीके से अब तक ये चलते रहे, उस पे थोड़ा संशय होता है। अभी जिस तरीके से अनुपम भाई ने बात बहुत अच्छी करी कि प्रधानमंत्री को भी पिछड़ा वर्ग अपनाना पड़ा, और क्योंकि इस पे कई विरोध भी हुआ है। राहुल गांधी ने खुल के कह दिया कि ये तो पिछड़े वर्ग से आते ही नहीं है, ये तो बड़ी जाति से आते हैं। इस तरीके के कई सारे सवाल और कई सारे आरोप वगैरह होते, उस पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट और निकल के आई है कि सिर्फ एक वर्ग, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे पिछड़ा वर्ग को, चाहे एम वाई फैक्टर हो, कोई भी हो, अगर आप ये मान के चलते हो कि एक फैक्टर के सहारे हम पूरी नैया पार कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे, उसका हर्ष इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को ठाकुरों की नाराजगी कोई परवाह उनको नहीं पड़ेगी, नाराज हो रहे तो होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव ने बता दिया कि एक जो बड़ा वर्ग होता है ना, 12-13% जिनका जो वोटर होता है, उसके हमको जब नकार देते हैं तो उसका क्या होता है। और सबसे पहले संदीप भाई ने स्टार्ट करा था कि देखो, जब नेता, बड़े नेताओं की किसी नेताओं को सही मिल जाती है, वो कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी बात साथ कर नहीं पाया, अधूरी रह गई थी। देखिए केपी मौर्या के ऊपर हाथ दिल्ली का था, उन्होंने कहा कि आपको हम पूरा एक रास्ता दे रहे हैं, सपाट पिच दे रहे हैं, और मलिंगा जैसा बॉलर भी हम आपको नहीं लगा रहे, बहुत स्लो बॉलर लगा रहे, आप बैटिंग करते रहो। वो बेचारे वैसे ही कर रहे थे। अब उनको पहले आश्वासन दिया जा रहा था, आप कौसाम्बी भी हार रहे हो, फूलपुर भी हार रहे हो, सब कुछ हार रहे हो, और जनता में आपकी स्वीकार्यता, आप पिछड़ा वर्ग में तो मानते नहीं कि आप पिछड़े वर्ग के नेता हो, या पिछड़े वर्ग के लोगों को, 4000 लोगों को भी कहीं इकट्ठा कर लोगे, वो भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मौर्य समाज को भी आपने कौसाम्बी में इकट्ठा करा था, कि पूरे उत्तर प्रदेश के जो मौर्य समाज है वो केपी मौर्य के पीछे है, स्वामी मौर्य कुछ है ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जब सभा लगी तो उसमें कनस्तर वाले, टेंट वाले, हलवाई मिला के टोटल कितने होते हैं, 119 लोग। अब इससे ही आप समझ सकते हो कि नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके पीछे जनता कितनी है। देखो अभी जिस तरीके से केपी मौर्या बैटिंग कर रहे हैं, सब लोगों को इकट्ठा, विपक्षी उनके साथ में जो भी गठबंधन में सबसे जुड़ रहे हैं, तो जिन जिन से मुलाकात हुई उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, उनसे मेरी डायरेक्ट फोन पे बात हुई, मैंने कहा ये चल क्या रहा है, तो उन्होंने अंदर की चीजें अनऑफिशियल जो बताई है तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि आगे ये तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कुल मिला के केपी मौर्या अपनी एक टीम गठित कर रहे हैं, और जिस तरीके से हिंदुत्व, जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग की वो ठेकेदारी लेने की बात अब तक जो कही जा रही थी, वो टेस्ट कर रहे हैं कि फला व्यक्ति मेरे साथ में है, वो मेरे साथ में, कितने लोग मेरे साथ में, अगर मेरे साथ में पूरा एक समूह, एक बड़ा वर्ग मेरे साथ जुड़ता है, मैं सीधे डिप्टी सीएम का पद को रिजाइन करके, और मैं दिल्ली को और यहाँ लखनऊ की टीम को ये बता दूंगा कि मेरे साथ में इतना दमखम है। अब बताइए मेरे साथ में सीएम की कुर्सी के लिए होगा या नहीं होगा, ये स्थिति मुझे बनने वाली दिखाई देती है। अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि देखो जिस तरीके से
डेमोलाइज हुए हैं, जिस तरीके से उनकी चीजें बड़ी कमजोर हुई हैं। अभी बिलाल भाई ने एक बात और कही कि इनके ऊपर आरएसएस का ट्रैक लगा हुआ था। मैं बिल्कुल मानता हूं इनके ऊपर आरएसएस का हाथ था, लेकिन इस कांड के बाद में जो दिल्ली में जिस तरीके से भागा दौड़ी हुई है, और जो योगी साहब को कुर्सी से हटाने के लिए और योगी साहब को कमजोर करने के लिए जो सारी चीजें दिल्ली में अभी हमने 2 हफ्ते देखी, उसके बाद में आरएसएस का जो इनके ऊपर हाथ था वो मोदी के परछाई में जाते जाते इनसे भी खिंच गया। क्योंकि नागपुर बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि लखनऊ को खड़बड़ाया जाए या लखनऊ को थोड़ी बहुत वो किया जाए। अब आपने देखा ना जिस तरीके से नेम प्लेट वाला और नाम उजागर करने वाला जो मामला चला, वो दिल्ली के नेता कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने क्या है, बयानबाजी कहां से करवाई जाती है जयंत चौधरी से, बयानबाजी कहां से करवाई जाती है चिराग पासवान से। तो ये सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि दो धड़े कितने बुरी तरीके से अलग होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी में एक सबसे अच्छी बात है, संदीप भाई बहुत अच्छी तरीके से तो रह के आए, अंदर खाने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चीजें बाहर नहीं निकल के आ पाती हैं। हमारा क्या हो, अगर हम साइकिल से चल रहे हैं थोड़ी सी चोट लग जाती है हम सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं मरहम पट्टी करने के लिए, लेकिन वो मरहम पट्टी नहीं करवाते हैं, वो मिट्टी लगाते हैं कि नहीं इंतजार करते रहते हैं, ये मिट्टी लगाते रहो इसका दर्द खत्म हो जाएगा। बीजेपी कमोबेश ऐसी करती है, दर्द को सहन करती रहती है, लेकिन वो दर्द जब नासूर बन जाता है बिलबिला के, तब बाहर निकल के आते हैं कि अब तो हमें MBBS डॉक्टर चाहिए, सर्जन चाहिए, बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए। तो ऐसी स्थिति मुझे लग रहा जनता पार्टी में आने वाले सबों में होने देखने को मिल जाएगी। क्या संदीप जी, ठीक है आपकी सर्जरी पर सवाल मैं संदीप जी से ही ले लेता हूं, क्या बड़ी सर्जरी की कोई तैयारी कर यूपी में हो सकती है? बिलाल जी आपके पास, अगर आप एक मिनट संदीप जी, बिलाल जी आप बोल लीजिए क्योंकि आपकी बात का काउंटर किया था उन्होंने रमेश जी ने। असहमत हूँ और बात सारी वही कही है जो मैं कह रहा था पिछड़ों की। मैं ये समझ नहीं पा रहा इन्होंने सहमत कहा था, असहमत कहा था? नहीं, आपने आपने पिछड़े नेता कहा था कि केपी मौर्या पिछड़े नेता है, मैंने उसको स्क्वायर कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं मानता हूं कि वो केपी मौर्या का नाम नहीं लिया मैंने। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, हिंदुत्व के चेहरे के साथ पिछड़ी राजनीति का ब्लेंड तैयार करके राजनीति करना चाहती है व्यवहारिक, मैंने ये कहा था। मैं वही इसी बात पे गया था और उसको ही काउंटर काउंटर किया था रमेश जी ने कि केशव मौर्य कम से कम पिछड़ों के नेता नहीं हो सकते, उन्होंने कौशाम्बी की 119 सीटों लोगों की गिनती करवा दी। केशव मौर्य सिंबॉलिक है, मैं तो पिछड़ों की पॉलिटिक्स की बात के भाई आप बिलाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि वो सामने हैं इसलिए उनको सिंबॉलिकली पेश किया जा रहा है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है पिछड़े के साथ हिंदुत्व का ब्लेंड है।